live inside my own world of make-believe. Kids sleeping in the cradles with vanities. I see the world is discovered in fucking bleach. Hello, Cortland. The ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. So, what is up, Wanted Army? क्या हाल है? स्वागतम स्वागतम स्वागतम, फिर से स्वागत है आप सभी का एक बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग फ्लोइंग स्लोइंग ट्लोइंग पता नहीं कौन सा वीडियो, लेकिन भाई ये वही वीडियो है जिसकी मैं कल और परसों दो दिन से बात कर रहा था। और ये वीडियो भाई बहुत ज़्यादा औसम होने वाला है। और जिससे पहले जो आपने छोटा सा प्यारा सा मॉन्टेज देखा, वो पूरे के पूरे सारे के सारे एक एक किल इसी वीडियो में से निकल के आने वाला है। एक एक स्ट्रैटेजी से लेके एक एक मतलब जैसे किल किया वो सब किया, कैसे किया वो सब बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करना। लाइक एम अपना रहेगा, मतलब अभी तक जितने हुए उससे पार, यानी कि सोच लो 900 1000 जितने करा सकते हो, होपफुली आप लोग करवाओगे। काफ़ी ज़्यादा लाइक में कोई इस पर चाहिए, कोई एम नहीं है, जितने करा सकते हो करा देना। अब इसी के साथ देखो भाई, हम लूटते फूटते अपनी बगी उठा के यहाँ से निकल ही रहे थे कि रास्ते में हमें एक भाई साहब मिल जाते हैं जिन्होंने बॉट की हत्या हमारी आंखों के सामने की थी। तो यार बोट की हत्या हमारे से बर्दाश्त नहीं हुई और हमने भाई के कंधे पे रख के चला दी इस कारल, उनके सर के ऊपर टकला उतार दिया गया दोस्तों। पूरी तरह से यहाँ पर उनकी पेटी लूट ली गई थी और यहाँ पर हम थोड़ा धूम मचा ले कि धूम 4 की शूटिंग कर रहे हैं। 1, 2, 3 से हो गए ना, हाँ 4। और मैं आपसे यकीन से कहता हूँ कि ये धूम की 4 की जो शूटिंग है फ्लॉप नहीं जाएगी, वैसे पहले वाली गई है क्या। तो चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर देखो शैक होल्ड करने आ गए और शैक वन ऑफ दी बेस्ट शैक है। इतने में यहाँ पर एक ड्राइवर आ जाता है अपनी गाड़ी लेकर और ये देखो जरा कैसे निपटाते हैं। अब एक बार के लिए तो मेरी यहाँ पर पूरी तरह से मैं डर गया था कि भाई ये बंदा अगर मेरे शैक के आगे गाड़ी लगा देगा तो मैं कैसे बाहर जाऊँगा, लेकिन ये बंदा आगे जा रहा होता है जैसे ही मैं शैक में से बाहर निकलता हूँ और इसको काफ़ी से निपटा देते हैं। अब ये भाई यहाँ पर हमसे थोड़े पंगे ले रहा होता है जिसको थोड़ा बहुत डैमेज देते हैं, गाड़ी को थोड़ा डैमेज देते हैं। इतने में लेफ्ट से कोई पंगे ले लेता है, मतलब मुझे लगा था कि ये दोनों टीम अप करके मार रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों, सब कुछ ओके था। दोनों को बारी बारी निपटाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखो भाई, काफ़ी इजली उस बंदे को इतना सारा डैमेज दिया था, लेकिन जब मेरी बगी की हालत टाइट थी तो मुझे यहाँ पर उस बंदे की डालसिया लेके यहाँ से निकलना पड़ा। और जैसे ही मैं यहाँ से निकलता हूँ यहाँ पर एक भाई साहब स्पॉट हो जाते हैं और इसको फिर से भाई चुम्मा वाला नेट उठा के फेंकेंगे। आप सबको पता है हमारा चुम्मा वाला नेट कितना क्यूट होता है, कितना प्यारा होता है, क्या बंदे के मुंह पे फटता जाके। और यहाँ पर चुम्मे वाला नेट फेंक दिया गया और आराम से उस बंदे का बूम बाम कर दिया जाएगा। अब इधर मैं यहाँ से थोड़ा अपनी डासिया लेकर लूटने आके जा ही रहा था कि कोई मेरे ऊपर किसी और अपने मतलब अपने नेट पे पप्पी लेके मेरे ऊपर फेंक देता है, लेकिन यहाँ पर हम बच जाते हैं। और एक्चुअली मैं यहाँ पर जब मुझे पता चलता है कि वो बंदा था कहाँ पर, मेरे को दो तरफ से पड़ती है और यहाँ पर एक तरह से अपना सैंडविच सिचुएशन आ चुका है दोस्तों। लेकिन कोई बात नहीं, इस सिचुएशन को भी हालत टाइट करेंगे और लास्ट में जाकर एक बहुत अनबिलीवेबल चिकन निकालने वाले हैं। और देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत हीलिंग एंड ऑल कर लिया जाएगा दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर नेट्स आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक चुम्मा वाला नेट है। यू गाइज नो, हमें पता है, आपको पता है, हम सबको पता है कि हमारे नेट में चुम्मा होता है। तो ज़रा देखो कि कैसे यहाँ पर आगे जाकर जो बंदा मतलब पुश कर रहा था उसको कैसे उड़ाया जाएगा नेट से। तो दोस्तों यहाँ पर एक और नेट से एक और किला में मिल चुका है और आप सबको पता है कि यार देखो, जब सामने वाले को इतना सारा डैमेज पड़ा तो वो ऑब्वियसली हील करने जाएगा, लेकिन यहाँ से हमें फॉल बैक लेना पड़ता है क्योंकि वो बंदा कुछ ज़्यादा ही अच्छा मार रहा था, इसलिए यहाँ से फॉल बैक लिया और जोन के अंदर जाके अपना सबसे प्यारा पोजिशन, आपको पता है ये पोचिंगी की पहाड़ी, इसके ऊपर मैं एक बार अपना नाम लिख के आने वाला हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। झंडा गाड़ के मैं आप लिख के आऊँगा एम वॉन्टेड, ठीक है, आप भी लिख के आना आपको कभी मौका मिले तो। अब यहाँ पर भाई देखो, हमें एक
ओपी पोजीशन मिल चुका है, मतलब एक ऐसा पोजीशन जो अब तक किसी ने होल्ड नहीं किया, और वही पोजीशन चिकन डिनर निकलवाते हैं आपका। और यहाँ पर देखो भाई बैक टू बैक दूसरा ड्रॉप, यहाँ तक हम कहते हैं कि इधर हमारी किस्मत हमारे साथ थी, हमारा गेम प्ले तो हमारे साथ ऑलवेज रहता ही है, बाकी स्किल्स की तो बात ना करो, थोड़ी बहुत तो है मतलब अपने में। अब यहाँ पर जैसे मैं देखता हूँ कि भाई जोन थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं यहाँ पर अपना M4 वापस उठा लेता हूँ, कि MK तो चलो ड्रॉप अपने पास ही पड़ा है, कभी भी उठा लेंगे। अब इधर मैं लूटिंग फूटिंग कर रहा होता हूँ कि साथ में एक बगी वाले आ जाते हैं, दो बंदे वहाँ पर टीम अप होता है बगी वालों का, तो जरा देखो कैसे निपटाते हैं दोनों भाइयों को। अब यार सेकंड वाला बंदा शायद मीटअप करना चाहता था, लेकिन अगर भाई अगर आप सही में मीटअप करना चाहते हो तो आई एम रियली सॉरी ब्रो, अगर आपसे मीटअप नहीं कर पाया। अब यहाँ पर मैं लूट ही रहा था कि भाई यहाँ पर एक से बढ़कर एक पुश होने वाला है, उससे पहले जरा देखो भाई जिन भाइयों ने भेजी हमें पॉपुलैरिटी, एंड गाइज अगर आपका इसमें नाम रह जाए तो यार उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि यार वो जो लिस्ट होती है वो नीचे चली जाती है, एंड आप लोग समझ सकते हो। अब यहाँ पर भाई एक गाड़ी आ जाती है, तो इसमें भी जरा टीम अप होता है, जरा देखो कैसे निपटाते हैं इन भाइयों को। अब यार यहाँ तक तो इनको मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था, लेकिन जब ये उतरे नहीं तो लास्ट में एक स्प्रे और जाएगा, और इस वाले स्प्रे के अंदर हम एक भाई को यहाँ पर उतार देते हैं। अब देखो यार हमेशा पुश करना ज़रूरी नहीं होता, मैं जैसे मेरी हाइट वाली पोजीशन थी मैं वापस जाके वही पकड़ने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इस पोजीशन पर कोई आ गया तो उसके लिए बाद जो मेरे लिए BT होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। एंड मैं बार बार कह रहा हूँ भाई इस बार लाइक्स इतने ठोक दो कि बस पता ना चले, बस इतने लाइक करा दो, मैं बस कुछ बोलूँगा नहीं, जितने हो सके करवा दो भाई इस बार। तो ये वीडियो यार मतलब भाई 14 किल के साथ चिकन और +37 A*1 में, यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अब इसी के साथ ओपन से एक बंदा पुश कर देता है, और ये हेडशॉट क्यों नहीं था मुझे पता नहीं क्यों यार, क्या सीन था इसका। सामने वाले के पास भी एक बोल्ट एक्शन था, हमारे पास भी बोल्ट एक्शन था, और दोस्तों यहाँ पर हमारा बोल्ट एक्शन शायद ज़्यादा खतरनाक था, और इस भाई को यहाँ पर काफ़ी इजीली निपटा देते हैं। और इसके बाद देखो भाई वापस से हम अपनी हाइट पकड़ लेंगे। देखो भाई जब भी आप एक ऐसा पोजिशन होल्ड करते हो तो यार पहले अपना पोजिशन पर ध्यान दिया करो, उसके अलावा किल करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ओपन जाओगे तो बहुत BT हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं फिर से होल्ड कर रहा था कि लेफ्ट साइड से अपने एक भाई साहब थोड़े बहुत BT दे देते हैं, मैं ज़रा नीचे देख ही रहा था कि लेफ्ट से जब पड़ती है तो भाई यहाँ पर भी ओम का प्रसाद यानी कि ओम शीर्वाद एज अकॉर्डिंग टू रोनी जी, तो यहाँ पर ओम शीर्वाद दे दिया गया है रोनी बाबा जी के नाम पे, और इधर काफ़ी इजीली किल कर दिया गया इस भाई को। और इसके बाद देखो भाई वापस से हमें डब्बे लूटने, क्योंकि देखो माल सारा अपना करना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, लूटना इज मस्ट इन PUBG मोबाइल, टीममेट चाहे नॉक होने के बाद फिनिश होते रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले लूटा करो। देखो अब इसके बाद देखो भाई सिंपली एक बंदा लेफ्ट साइड से हमारे पे ऊपर पुश करने वाला होता है, तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि इसको वहीं पर रोक दिया जाए, लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि भाई मैं बहुत ज़्यादा ओपन जा रहा हूँ तो वो गलती आपको नहीं करनी है, ओपन जाने के चक्कर में मैं मर जाता, इसलिए मैं यहां पर फॉल बैक लिया, पोजीशन पकड़ी, और वापस से जब देखा कि वो बंदा स्मोक करके जोन में आ रहा है, तो यहां पर सबसे पहले आपके लिए रहता है कि पहले अलर्ट होना पड़ता है कि देखो कहीं आप उससे फाइट लेने जाओ और कहीं आके आपका पोजीशन पकड़ ले फिर आपके लिए BT हो, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं एक बार जरा फॉल बैक लेता हूं, पूरा चेकआउट करने जाता हूं कि पीछे से कोई उंगली तो नहीं करने वाला, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आगे फाइट लेता रह जाऊं और पीछे से कोई आके मुझे पेल जाए, इसलिए मैं पहले पूरा चेकआउट करके आता हूं। एंड जब मुझे कंफर्म होता है पीछे कोई नहीं आ रहा, अब इस भाई को काफी इजीली निपटाया जाएगा दोस्तों। यार यहाँ पर तो भाई के पास थोड़ा डिसएडवांटेज था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ऑसम ट्राई था, क्योंकि SMG वर्सेस MK। और इसके बाद देखो भाई यहाँ पर एक स्कैम होने वाला है अभी, अब यहाँ पर एक्चुअली क्या सीन था, इस भाई का शायद से जो माइक था वो ऑल पर रह गया होगा, और उसकी वजह से मुझे थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आया, जिसकी वजह से मैं निपटा पाया भाई को काफ़ी इजीली, और किस्मत थी भाई अपने बगल में सांप लेटा था और उसने डसा भी नहीं, ये बहुत कम होता है, बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि जहरीले बहुत सांप है दोस्तों, विरंगल में एक से बढ़ गया एक सांप, और सैनोग में तो एनाकोंडा बैठे होते हैं, आप लोग भी जानते हैं हम भी जानते हैं। अब इधर जब नेट्स एंड ऑल आने स्टार्ट हुए थे, मैं यहाँ पर पहले फॉल बैक लेता हूँ, और जब वो भाई की संतुष्टि हो जाती है नेट्स फेंक फेंक के, अब यहाँ पर पुश कर दिया जाएगा दोस्तों, और इसका प्यारा सा हेलमेट देख के इसको निपटा दिया जाएगा। अब यहाँ पर वापस मैं अपनी पोजीशन होल्ड करने जाता हूँ, कि यहाँ पर एक भाई थोड़ा मजे ले रहा होता है घासों के, पर इसको भी काफ़ी इजीली निपटा देंगे।
अब भाई सिचुएशन आ गया है 1v1 का। मैंने इसको स्टार्टिंग में भी नहीं दिखाया, मतलब इंट्रो से पहले, क्योंकि ये फाइट एक लंबा फाइट है और इसमें दोनों की तरफ से बहुत अच्छी स्किल्स यूज़ की जाएंगी। वो अपनी स्किल्स यूज़ करेगा, उस भाई के अकॉर्डिंग मैं अपनी स्किल्स यूज़ करूँगा और मैं सब कुछ आपको बारी बारी एक्सप्लेन भी करूँगा। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या सिचुएशन रहती है, वो भाई जोन के थोड़ा सा बाहर होता है इसलिए अब उसको ड्रॉप तक आना है, लेकिन ड्रॉप तक ना आने देना मेरा एक टास्क रहेगा। लेकिन उसको वहाँ पर एक छोटे से रिज पर एडवांटेज मिल जाता है, रिज का कवर मिल जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले तो अपना बूस्ट वगैरह फुल कर लो क्योंकि यही काम आता है फाइट्स के टाइम पर। अब यहाँ पर पहले मोली नेट जो जो है हाथ में वो सब फेंक दिया जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये सब चीज़ें घर ले जाने के लिए नहीं होती, काफ़ी लोग यूज़ नहीं करते। अब देखो जैसे ही वो बंदा थोड़ा आ गया है मैंने काफ़ी अच्छा डैमेज देने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर क्या सीन हुआ, मेरा नेट ग्लिच हो गया जिसकी वजह से एक परफेक्ट नेट ब्लू में वही अपना ना चुम्मा वाला नेट जाता तो यहाँ पर किल हो जाता। लेकिन यहाँ पर फिर हमें दिमाग लगाना पड़ा दोस्तों, और यहाँ पर पैन ट्रिक यूज़ करते करते हम उस भाई के बिल्कुल राइट में आ जाएंगे, और शायद मैं थोड़ा ओवर राइट जाता तो यहीं पर इसको निपटा देता। तो ज़रा देखो राइट जाके कैसे डैमेज देते हैं इस भाई को। अब यार इसके रिफ्लेक्सेस तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे थे, मतलब डैमेज पड़ते ही क्या मस्त अंदर भागा रे, मज़ा आ गया भाई देख के। अब यहाँ पर मेरे नेट्स खत्म हो गए थे तो मेरा काम है यहाँ पर स्मोक्स फेंकना। एंड गाइज अगर आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो भाई इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आपको कमेंट बॉक्स में मेरा कमेंट पिन मिल जाएगा जिसमें मैंने इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर भाई फिर से हम अपना यूज़ करने वाले हैं पैन ट्रिक। मैंने इसको शो किया कि मैं यहीं पर खड़ा हूँ लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, यहाँ पर मैं पैन ट्रिक करके लेफ्ट जाऊँगा और इस भाई को काफ़ी सीधे निपटा दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करना, बहुत सारे लाइक करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या। Oh.